व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 14th of June। आज के करंट अफेयर के साथ साथ में आप लोग कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। काफी शानदार हम लोगों का ये डिस्कशन रहने वाला है। बस आप लोगों को इतना करना है, जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है, ताकि आप लोग बिल्कुल इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ओके, तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था कि उसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट डे बताऊंगा, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। बात की जा रही है अर्थ के सबसे पास वाला कौन सा पड़ोसी ग्रह है, उसके बारे में ये मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से। तो आप लोग यहाँ पर देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे आप लोग सूरज के पास में देखेंगे मरकरी, फिर हो गया वीनस, और यहाँ पर हो गया अर्थ, और ये हो गया मार्स। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पास वाला ग्रह, तो आप लोगों को वीनस यहाँ पर नजर आएगा। पर कई जगह जिस तरीके से मार्स बहुत ज्यादा न्यूज में होता है, हम लोगों ने मार्स पे मिशन भी अपना भेजा था, उसकी वजह से कई बार मार्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यूज किया जाता है कि हाँ इसकी कि ये सबसे नियरेस्ट ये है, पर लेकिन एक्चुअल में वीनस सबसे नियरेस्ट है। एक आप लोगों को यहाँ पर क्राइटेरिया याद रखना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कोई भी ग्रह को क्या क्राइटेरिया है कि वो एक ग्रह होना चाहिए। जिस तरीके से प्लूटो है, पहले ये ग्रह हुआ करता था, पर लेकिन आज की डेट में इसको ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। आज की डेट में यहाँ पर आप लोगों को नाइन की जगह 8 प्लैनेट देखने को मिलेंगे। पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे, आज कौन कौन से हैं ये 8 हैं आप लोगों के सामने। ये वाला जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ये 8 है आप लोगों के सामने, ये वाला आज की डेट में प्लैनेट नहीं है। तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो 3 क्राइटेरिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या है कि जो भी प्लैनेट की हम लोग बात कर रहे हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि उसमें सफिशियंट मास होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड क्राइटेरिया ये है कि वो अपना जो पड़ोसी है, मतलब आस पास में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा छोटे छोटे पत्थर धूल के कण जो भी इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं उसमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो कि वो उसको क्लियर कर सके, अपने अंदर समा सके, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तीनों क्राइटेरिया देखे बोला गया कि इनमें से एक क्राइटेरिया नहीं है, तो वो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 3 क्राइटेरिया आप लोगों के सामने कि अपना आसपास जो है वो क्लियर कर सकता है, दूसरा उसमें सफिशियंट मास होना चाहिए अच्छा खासा, और इसके अलावा वो अपना प्रोस जो है वो क्लियर कर सके, मतलब उसके पास में इतना अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन मतलब क्या है, जिस तरीके से हम लोग कोई चीज अगर हवा में फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वापस आ जाती है, तो ये क्या है, ये एक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो वो यहाँ पर एक प्लैनेट होता है। ये कंडीशन ये जो प्लूटो है ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसको कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इससे रिलेटेड यहाँ पर याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि इनमें से कौन सी कैप्स सिचुएटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देखिए जब आप लोग अपनी पृथ्वी देखेंगे तो आप लोगों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल नजर आता है। डिवाइड कौन करता है, इक्वेटर डिवाइड करता है। इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल होता है, इक्वेटर से नीचे साउथ पोल होता है। तो कौन सा एरिया यहाँ पर नॉर्थ में है और कौन सा एरिया साउथ में है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के यहाँ पर सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला बोला गया कैप ऑफ फेयरवेल, पहले मैप में एक बार देख लीजिए, ये यहाँ पर हमारा प्यारा भारत हो गया, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, और यहाँ पर ऊपर हो गया ये इक्वेटर, तो बीच में इक्वेटर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। इंडिया से जरा सा नीचे यहाँ पर आएंगे तो इक्वेटर ये लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, इस तो देखने को मिलेगा ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, ना कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया गलत। ओके, सेकंड बात बोला जा रहा है कैप ऑफ फोन, कैप ऑफ फोन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये आप लोगों को नजर आएगा कहाँ पे, ये देख सकते हैं नीचे, ये हो गया यहाँ पर साउथ अमेरिका, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत हो गया इधर कोने में राइट साइड में, ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हो गया ये साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है, तो ये भी यहाँ पर किस में हो गया, सदन में हो गया। नेक्स्ट बात की जा रही है कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का नीचे वाला पोर्शन है, इसको कैप ऑफ गुड होप बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी किस में हो गई, सदर्न पार्ट में हो गई, तो ये भी नॉर्दर्न में नहीं है। तीसरा यहाँ पर बोला जा रहा है कैप ऑफ ल्यूविन, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, ये भी कहाँ पर है, सदर्न में है, मतलब कि ऊपर इक्वेटर, इक्वेटर से नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ये भी सदर्न पार्ट में ही हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ इनमें से कौन सा आंसर है, तो यहाँ पर कोई सा भी नहीं है, सारे सदर्न पार्ट में है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि इतनी सारी दुनियादारी मैंने आप लोगों को क्यों बता दी, आखिर क्या, आखिर ये न्यूज़ में कहाँ से आ गया। तो बात की जा रही है यहाँ पर नाविका सागर परिक्रमा के बारे में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 6 जाबाज जो सिपाही थी, जो लेडी सिपाही थी, वो उन्होंने क्या किया, नेवी की, उन्होंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। तो ये जो जिन जिन एरिया से होकर जा रही हैं ये वो वाले पर्टिकुलर एरिया थे, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था ये, जिसको नाविका सागर परिक्रमा भी बोला गया था, ठीक है।
तो ये है आप लोगों के सामने जो कि पूरा क्वेश्चन है। अगर किसी भी तरीके से आप लोगों से यहां पर किसी भी तरीके कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहां पर क्वेश्चन नंबर दो में, ये वर्ड यूज किया गया है CEPI, ये क्या है? ये है एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। अगर आप लोग यहां पर फुल फॉर्म भी डालते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कोएलेशन है यहां पर, कोएलेशन ऑफ एपिडेमिक, मतलब कोई भी अगर महामारी बनती है किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर रहना है, उसके लिए इनोवेशन करना है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट आप लोगों को कोई सी भी नहीं पढ़नी है यहां पर, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर ये गलत है, ठीक है? कोई भी स्टेटमेंट यहां पर सही नहीं है। तो आखिर ये है क्या, वो आप लोगों को बताता हूं। इसको आप लोग CEPI बोला गया है, ये है कोएलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। तो अगर मान लीजिए कल को कोई महामारी आती है, जैसे आपको देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में क्या आया, नीफा वायरस केरला वाले एरिया में देखने को मिला, जिसका नेचुरल जो होस्ट था वो था एक फ्रूट बैट, एक चमगादड़ जो कि फल पे बैठता है, ठीक है, उसकी वजह से ये नीफा वायरस फैल रहा था। इसी तरीके से आप लोग कई सारी और बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है, जीका वायरस हो गया। तो ये कुछ ऐसी बीमारी है जिनको यहाँ पर लिस्ट किया गया WHO के द्वारा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडी, प्राइवेट सेक्टर सारे मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। और जो भी यहाँ पर जो भी ऐसी बीमारी है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर नई नई बीमारी आ रही है उनके लिए कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे उनके लिए दवाई बना सकते हैं, उसके लिए हम लोग तैयार रहें। तो इस प्रोग्राम को गाइड कौन करेगा? गाइड करेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन जिस पे ऑल ओवर वर्ल्ड में ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है, जोन सी बीमारी पे जिसके लिए ज्यादा सफिशिएंट फंड भी नहीं है और जिसको ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट में, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट अवेलेबल नहीं है, उन बीमारियों पर फोकस किया जाएगा और उनका इलाज निकालने की कोशिश की जाएगी। तो उसके लिए है यहाँ पर CEPI, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर है यहाँ पर डी, इसमें से कोई सा भी नहीं है जो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कई बार ऐसे वर्ड भी आप लोगों के सामने आ जाते हैं, ये वर्ड यूज किया जा रहा है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। तो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट किसको बोलते हैं? देखिए नॉर्मली जैसे हमारा सूरज है, ठीक है, तो सूरज के चारों ओर आप लोगों को ग्रह घूमते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके से 8 प्लैनेट मैंने आप लोगों को बताए और 8 प्लैनेट का कंडीशन और क्राइटेरिया भी बताया, इसी तरीके से सारे प्लैनेट जैसे घूम रहे हैं, तो उसके अपोजिट में अगर कुछ चीज घूम रही है, कोई वस्तु घूम रही है, ठीक है, तो उसको अगर उसके अपोजिट ऑर्बिट में, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, ओके। पर कई बार स्टडी जो बताती है वो ये भी कहती है जो जुपिटर है वो इसी ऑर्बिट में घूमता है। तो कहने का मतलब ये है जो जहां पर सारे प्लैनेट घूम रहे हैं उसके अपोजिट में जो यहां पर घूमती नजर आती है बॉडी, उसको बोलते हैं, ये वर्ड जो यूज किया गया इसका मतलब भी यही होता है कि मूविंग बैकवर्ड। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आंसर हो गया सी। देखिए नॉर्मली यहां पर 8 प्लैनेट बोले जा रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 8 प्लैनेट, क्योंकि ये जो है ना कई बार कंफ्यूजिंग रहता है, क्या बोलते हैं कुछ थोड़ी, तो ये कहती हैं कि सारे प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में बोलते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं, कुछ थोड़ी आप लोगों को ये देखने को मिलेगी जो कहते हैं कि यहां पर जैसे जुपिटर मैंने बताया वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने माना है कि सारे प्लैनेट एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं और यहां पर इसीलिए यहां पर जो इसके अपोजिट में अगर घूमेगा उसको रेट्रोग्रेड ऑर्बिट हम लोग बोलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर इसके लिए पर्टिकुलर ये यूज किया गया, तो इसका हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बात की जा रही है जॉइंट US और जर्मन का जो ग्रेस ये मिशन है इसके बारे में। तो ये मिशन क्या है और किस तरीके से वर्क करने वाला है और किसके लिए है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो ग्रेस है इसकी फुल फॉर्म है ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है। तो यहां पर बोला जा रहा है वेक द वाटर ऑन अर्थ, मतलब जो पृथ्वी पर पानी है उसको तोला जाएगा, मतलब कहने का ये इस प्रोजेक्ट के तहत जो पृथ्वी पर वाटर है उसका एक अनुमान लगाया जाएगा कि ये वाटर का वेट कितना है, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट, ये नासा का प्रोजेक्ट है, मिलके साथ में जर्मन एजेंसी के साथ में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर हो गया इसका ए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ये है वेक द वाटर ऑन अर्थ, मतलब तोलना, वेक बोलते हैं तोलना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसका है, USA और जर्मनी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, आज का सबसे शानदार क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर ये, क्योंकि गवर्नर की पोस्ट के बारे में बहुत बार न्यूज में आप लोग पढ़ चुके हैं और बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो उसी के बारे में आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है। बात की जा रही है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहां पर गवर्नर की पोस्ट हुआ करती थी, तो गवर्नर की पोस्ट जो थी उसके पास में स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो जो स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पर गवर्नर की पोस्ट को दे रखी थी वो यहां पर एक कॉलोनियल टाइम में एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली उस टाइम पर हुआ करती थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर ये काम किया जाता था, मतलब जो भी वहां पर उस टाइम काउंसिल हुआ करती थी उसको कंट्रोल करने का ये काम करती थी, मतलब गवर्नर जो था वहां पर उसके ऊपर कंट्रोल किया करता था। पर लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन की गया और उसने हमारा संविधान बनाया, तो उसने भी ये पावर गवर्नर को दी गई, आखिर इसका क्या रीजन था। तो सबसे पहला ऑप्शन बोला जा रहा है
कि हमारे यहाँ पर देयर वॉज ए डर्थ, मतलब कमी थी बहुत ज्यादा जो कॉम्पिटेंट एंड लेजिस्लेटर होते हैं इन द स्टेट। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट थे उनमें जो कॉम्पिटेंट एंड लेजिस्लेटर होते हैं, मतलब जो लॉ बनाने वाले होते हैं, उन इंसानों की कमी मानी जा रही थी। तो इसका मतलब कल को अगर उल्टे सीधे ये लॉ बना के लेके आते हैं यहाँ पर और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, जनता परेशान हो या कई सारी चीज़ें और निकल गए हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नर की पोस्ट रखी गई। क्योंकि गवर्नर क्या कर सकता है, अगर कोई असेंबली कोई लॉ पास करती है तो गवर्नर उसको यहाँ पर रोक सकता है, उसको यहाँ पर थोड़ी दिन के लिए, उसको मतलब प्रेजिडेंट को दिखाने के लिए, बोलते नहीं कि प्रेजिडेंट के लिए रख लिया गवर्नर ने, जिस तरीके से दिल्ली में बहुत सारे लॉ पड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में, तो ये काम किया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सही है यहाँ पर कि बोला जाता था कॉम्पिटेंट जो लेजिस्लेटर हुआ करते लॉ बनाने वाले उनकी कमी थी। दूसरी बात ये बोली गई थी सेंट्रलाइज पावर होनी चाहिए, नेसेसरी है, क्योंकि नए नए तो अभी यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सबने मिलकर नया नया यहाँ पर इंडिया बनाया है, बहुत सारे 500 से ज्यादा स्टेट से उनको इकट्ठा करके हम लोग एक जगह लेकर आए हैं। अगर कल को ये सारे निकल के यहाँ से जाने लगे, फिर से वही पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी, तो क्या किया जाए उसके लिए, तो गवर्नर की पोस्ट रखी गई ताकि यहाँ पर इन सब चीज़ों में कंट्रोल किया जा सके और गवर्नर रूल हम लोग लगा सके। ठीक है, तो ये रीजन था, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर सी, दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन है छोटा सा आप लोगों के सामने यहाँ पर, इतना तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, जाकर देखिएगा कि आप लोगों की स्टेट का गवर्नर कौन है, आप लोग को अपने स्टेट के गवर्नर का नाम पता होना चाहिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपने अपने स्टेट और उसके सामने गवर्नर का नाम जरूर लिखिएगा, इतना तो कम से कम आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है 1942 के बारे में, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था उस टाइम पर एक मिशन आया था जिसको आप लोग क्रिप्स मिशन भी बोला करते थे। ठीक है ना, पूरा नाम था यहाँ पर स्टेपफोर्ड क्रिप्स। तो ये एक बात लेके आए थे हमारे जो कंट्री के लीडर थे उनके सामने कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कीजिए वर्ल्ड वार में, उस टाइम पर वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी। ठीक है, तो हम आप लोग जो भी आप लोग कहेंगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल या फिर जो भी बात आप लोगों की रहेगी हम लोग वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर जो नेगोशिएशन करने के लिए हमारी कंट्री के जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यह है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ में जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो दोनों लीडर थे जो हमारे डेलीगेशन को यहाँ पर लीड कर रहे थे। तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं कि किसने हिस्ट्री में क्या क्या किया है, इसके स्पेसिफिक भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरीके क्वेश्चन कई पूछे गए हैं अबकी बार प्रीलिम्स में, तो मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर आप लोग प्रॉपर रेगुलर डिस्कशन सुनते रहेंगे तो आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बात की जा रही है यहाँ पर कि ये एसोसिएटेड रहे हैं रिवोल्यूशनरी ऑफ बंगाल। जी हाँ, बिल्कुल सही बात की जा रही है, और इन्होंने अल हिलाल और अल बलगाग, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग, ये पब्लिकेशन थे जो कि इन्हीं के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे, अपनी आइडियोलॉजी को और ज़्यादा फैलाने के लिए ये दोनों स्टार्ट किए गए थे इनके द्वारा कोलकाता से। तो अल हिलाल अल बलगा बलगहा, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा आप लोग, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गई, मतलब आंसर क्या है, आंसर है सी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, अल अल है दोनों के सामने, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इनका नाम अब्बुल, तो बी ओ हटा दीजिए अल, इस तरीके से कुछ भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं अल यहाँ पर भी है इनके नाम में। ठीक है, यहाँ पर इसको ए को इधर ले जाइए, ये भी अल हो गया, तो कुछ भी ऐसा देख के आप लोग याद रखिए जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर सके। तो यह है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री में जो कुरीति हुआ करती थी जैसे सती प्रथा हो गई, ठीक है, कि हस्बैंड की डेथ के बाद में वाइफ को भी जलाना है, तो राजा राममोहन राय जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसको यहाँ पर खत्म करने में, तो कौन यहाँ पर गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इनका साथ दिया इसको खत्म करने में, तो ये थे यहाँ पर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब खत्म किया था, 4 दिसंबर 1800, ये आप लोगों के लिए ब्लैंक है, यहाँ पर बताइएगा 1800 से आगे क्या है। ठीक है, कई बार पढ़ा चुका हूँ पहले आप लोगों को, ये हल्का सा भी आप लोगों को कम से कम आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये डेट पूछी जाती है कई बार। ठीक है, तो 4 दिसंबर तो मैंने आप लोगों को बता दिया, 1800 भी बता दिया, अब दो वर्ड आप लोगों को लिखने हैं कि क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी समझ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, और बात की जा रही है यहाँ पर आयरलैंड के बारे में, तो ये वुमेन राइट की बात की जा रही है आयरलैंड में, जिससे रिलेटेड यहाँ पर एक कंपेन चला गया, रिपील द 8th एंड सेव द 8th, क्या था ये, देखिए आप लोगों ने सविता हलपवार का नाम सुना होगा, ये एक महिला थी जो कि इंडियन महिला थी और आयरलैंड में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ में। तो हुआ क्या था, हुआ ये था, ये प्रेग्नेंट थी पर लेकिन इनकी प्रेगनेंसी जो है सक्सेसफुल नहीं थी, जिसकी वजह से इनको कई सारी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर ने ये बोला कि अगर इनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं की गई तो ये आप लोगों को इनकी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, मतलब इनकी डेथ हो सकती है। पर लेकिन आयरलैंड में ऐसे लॉ हैं, ऐसे रूल हैं जिसके बेस पर आप लोग किसी की प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते, मतलब अबॉर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कैथोलिक कंट्री है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत मानी जाती है।
तो इसकी वजह से यहाँ पर इनकी जान चली गई। तब से वहाँ पर एक मूवमेंट चलाया गया जिसके बेस पर यह बोला गया कि कम से कम यार इतना तो होना चाहिए ना कि अगर कल को कोई मर रहा है उसको बचाया जा सके, और पता होते होते तो कम से कम उसको बचाया जा सके। एक तो हो गया कि अनफॉर्चुनेट कंडीशन में मर गया, पर लेकिन पता होते होते भी बचाया नहीं गया तो ये गलत बात है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो इनका 8th अमेंडमेंट है इनका, उसको चेंज करने की बात की गई कि इसमें चेंज कीजिए और चेंज करके इसमें नई बातें लिखिए कि हाँ अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उसमें ये काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर रेफरेंडम कराया गया, तो यहाँ पर अभी जीत भी हुई इसकी कि ये बोला गया इसको हटा के दूसरी चीज़ें डालिए ताकि यहाँ पर सेव किया जा सके किसी को अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, और जो नया बना रहे उसको सेव कीजिए। ठीक है, तो ये आयरलैंड से रिलेटेड है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जब इतनी बात हो ही गई है तो थोड़ा आयरलैंड को आप लोग मैप में भी निहार लीजिए। ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया यूके यूनाइटेड किंगडम, ये हो गया आयरलैंड। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर यूरोप के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए इसके बारे में। तो ये है आयरलैंड जहाँ पर ये केस हुआ था जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से इतनी बार बोलूंगा कि आप लोगों को मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ये काम करने के डायरेक्शन में आप लोगों को चला के ही छोड़ूंगा। बात की जा रही है कि अभी सेलिब्रेट किया गया इंडिया में और इंडिया ने होस्ट किया जिसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो कौन सा डे था जो यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, तो 5 जून को हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया और हमने ही इसको होस्ट किया। ये था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जिसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, मतलब प्लास्टिक को हम लोगों को यूज नहीं करना है और प्लास्टिक को यूज करने से बचना है क्योंकि काफी खतरनाक होती है प्लास्टिक, जो कि हमारे एनवायरमेंट को इतना खतरा पहुंचाती है। अगर आज हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे बच्चों के बच्चे के बच्चे आ जाएंगे, पर लेकिन ये प्लास्टिक यहां से नहीं जाने वाली है, इतनी ज्यादा खतरनाक है ये प्लास्टिक। तो उसी के बारे में बात की गई अब की बार वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में। ओके, और होस्ट इंडिया ने किया है तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हल्का सा आप लोगों का आइडिया होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जाते जाते आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो कि मैप बेस्ड ही क्वेश्चन है। आप लोगों को यहां पर बताना है कि रशियन सिटी सोची ये किसके किनारे पर है, लिटरल होता है किनारा, तो किसके किनारे पर है, कैस्पियन सी, एरियल सी, ब्लैक सी या फिर लेक बैकल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके आसपास वाला एरिया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने क्रीमिया का नाम सुना होगा, तो क्रीमिया की वजह से ही काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी रसिया को, जिसकी वजह से रसिया को जो पहले पार्ट हुआ करता था G8 का, वहां से उसको निकाल दिया गया था। तो ये सारी बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी के बारे में यहाँ पर ये कंप्लीट आप लोगों का डिस्कशन होगा। कल डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे हैं आज उनके आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग एक इंगेजमेंट दिखाते हैं। तो आंसर कोशिश किया कीजिए, जरूर बताया कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों के साथ में और अच्छे से मोटिवेट होकर ये सारे काम करता रहूं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।